नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर पर या पीसी पर काम करते करते अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को भी अपने पीसी पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि आप पीसी पर काम कर रहे हैं, बार बार मोबाइल फ़ोन पर देखकर आपको अपने मोबाइल को ऑपरेट करना या फिर सिस्टम पर काम करना, दोनों चीज़ें एक साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कितना आसान हो कि आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस आपके पीसी पर चल रही हों, तो आप अपने पीसी पर काम करते करते उन एप्लीकेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशंस अपने पीसी में चला सकते हैं। इसके लिए चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशंस को पीसी में चलाने के लिए सबसे पहले गूगल पर आ जाइए। यहाँ पर एक टूल है या एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमें इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है ब्लूस्टैक। ब्लूस्टैक्स पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, इस पर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका लेटेस्ट वर्जन जो ब्लूस्टैक का है वो दिखा देगा, आपने इसी डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यस करके परमिशन देंगे और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये कह रहा है इंस्टॉल नाउ, तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं सिंपली। 159 MB की ये आपकी फाइल है, सॉफ्टवेयर है, इसका साइज़ है। बस थोड़ी सी ये हैवी होती है, अगर आपका सिस्टम है बहुत ज़्यादा लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो फिर आप इस एप्लीकेशन को अवॉइड करें, फ़ोन के काम फ़ोन में करें और पीसी को पीसी के लिए छोड़ दें। पीसी के काम है वो सब उसी पीसी पर करें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये सिस्टम पर अच्छे से काम करेगी, क्योंकि हल्के सिस्टम पर आपके सिस्टम को ये हैंग कराना शुरू कर देती है। लेकिन सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छा होता है तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम करती है। एक बार वेट करते हैं। एक्चुअली मुझे ज़रूरत पड़ती है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब मैं अपने फ़ोन पर एक हमारे घर में आईपी कैम लगाया, उस कैमरे को यूज़ करने के लिए मुझे ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो एप्लीकेशन फ़ोन में काम तो करती ही है, चाहे iOS हो या एंड्रॉयड, लेकिन हमें मुझे पीसी पर भी देखना है, क्योंकि जब मैं काम करता हूँ तो बार बार फ़ोन और पीसी दोनों एक साथ ऑपरेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पीसी में अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो मैं उस अपने फ़ोन की जो वीडियो क्लिप्स है उसको मैं साइड में कॉर्नर पर देख सकता हूँ, साथ में इस पीसी पर अपना काम भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो गई है और इसने बहुत सारा टाइम ले लिया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी इंस्टॉल की है तो ये थोड़ी हैवी एप्लीकेशन होती है और इसलिए टाइम ले लेती है। तो ये हम आ रहा है यहाँ पर गूगल का ये प्ले स्टोर है, यहाँ पर जाके हमें जो एप्लीकेशन चाहिए वो हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ हम आ गए हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ओपन हो रहा है, एक बार ओपन हो जाने देते हैं इसको। ओपन होने के बाद फिर हम इसमें सिंपली जो हमें एप्लीकेशन चाहिए उसको हम इसमें सर्च या फिर टाइप कर लेंगे। तो ये हो गया, ये साइन इन, पहली बार ये साइन इन मांगता है तो इसको हम साइन इन कर लेते हैं इसमें। तो इसमें आपकी जो ईमेल आईडी है वो सिंपली डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड भी डाल दीजिए। ये पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये वेरीफाई करा देते हैं, फ़ोन नंबर पर आएगा। फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर डाल दिया, सेंड पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा या कोड आएगा, उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आई एग्री पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ही ये हमारा आ गया यहाँ पर। एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन।
और ये आ गया। अब हम रियल मी लिंक जो हमने टाइप किया था वो यहाँ दिखा दिया है, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे हम। इंस्टॉल करने के बाद अपने जो फ़ोन से अगर इसकी कोई परमिशन वगैरह मांगनी होगी तो वो देख लेंगे, नहीं तो हो सकता है ये अपने आप ही फेच कर ले। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं इसमें कैसे वो डिटेल्स को फेच करेगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ ओपन पर क्लिक कर देते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इंडिया नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, गॉट इट। प्लस पर क्लिक करके एग्री पर कर दिया हमने। यहाँ पर ये फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो हमारे किस फ़ोन से जो है वो चल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार वो नंबर यहाँ डाल देंगे तो ये फिर उसी नंबर से डिटेल्स ले लेगा, सीधे फेच कर सकता है वहाँ से। पासवर्ड डाल के देख लेते हैं, ये ड्रैग करना है। और ये इसने पासवर्ड ले लिया, फ़ोन नंबर भी हमारा कंफर्म हो गया है। यूज़ योर फ़ोन नंबर दिस टू सेंड। फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लिया यहाँ पर वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पर कह रहा है कोड विल बी सेंड टू दिस नंबर। अभी चेक कर लेते हैं कोई कोड यहाँ पर आएगा क्या। व्हाट्सएप पर तो आ गया, वेरीफाई कर रहा है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो ये देखिए ये वेरीफाई हो गया, गॉट इट। और ये हमारा अलाउ परमिशन हमने दे दी यहाँ पर। और ये क्रॉस क्यों हो गया, दोबारा से एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो वहाँ पर वेरिफिकेशन फेल तो नहीं हुआ था, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ, उसने कुछ और वहाँ पर दिखा दिया एरर। अब ये दिखा रहा है यहाँ पर, इसको हम सिंपली क्लिक करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, दोबारा से एग्री करते हैं, ये जाती है। अब देखिए ये हमारा कैमरा चल गया है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इसको। तो दोस्तों ये तो चल गया, अब धीमे से हम यहाँ पर बाद में सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं कुछ। इसमें आपने कोई और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपने होम पर जाना है, होम पर जाके यहीं पर आपने गूगल सर्च में जाके अपना टाइप कर लेना है कोई भी एप्लीकेशन जो आप चाहते हैं। मान लीजिए कोई भी गेम है वो भी कर सकते हैं, कैंडी क्रश है, मान लीजिए कैंडी क्रश गेम है, इसको हमने सर्च कर लिया। यहाँ सर्चिंग में ये गेम दिखा देगा, और ये देखिए ये गेम दिखा दिया। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली जैसे प्ले करते हैं वैसे यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपके एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशंस को आपके पीसी पर चलाने का आसान सा तरीका। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।